सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको स्लीव डिज़ाइन बनाना बताऊंगी, जो काफ़ी सिंपल सोबर है और बनाने में भी बहुत ईजी है, पर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाया करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा स्लीव्स का पूरा बॉटम है उतनी मैंने इसकी लंबाई ले ली है, कपड़ा और पेपर पेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, जो ये पेपर पेस्टिंग है ये मैंने 1 इंच से कम लिया है, और ये जो कपड़ा इसके नीचे मैं लगाऊंगी ये मैंने 1.25 इंच का लिया है। तो पहले सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से करके सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा सिलाई में जो दबेगा हमारा स्लीव में उतना छोड़ के, और मैं इसको इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ऐसे सिलाई लगा ली है इसमें, और ये अब ये जो मैंने यहाँ पे छोड़ा है कपड़ा, ये हमारा स्लीव्स में जॉइंट होगा। तो ये मेरी स्लीव्स हैं, इसको हमें सीधी तरफ पलटाना है इस कपड़े को, तो हम इसको उल्टी तरफ से इस तरीके से लगाएंगे, सिलाई लगा देंगे इसमें। फ्रेंड्स, इतना ध्यान रहे कि कपड़े पे ही सिलाई आए, जो हमने पेपर पेस्टिंग लगाई है उस पर सिलाई नहीं आनी चाहिए। वैसे होता कुछ नहीं, अगर उस पर भी सिलाई आ जाए तो थोड़ी सी बस जो हम फोल्ड करते हैं उसमें परेशानी होती है बस। तो फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से पलटा के एक सिलाई हम इस किनारे पे लगा लेंगे, मार्जिन इस तरफ करना सारा। फ्रेंड्स, हम इसको सीधी तरफ से इस तरीके से पलटाएंगे हम, और इसमें जो हमारा डिजाइन लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ बनाना। तो फ्रेंड्स, इसका हम बनाएंगे जो समोसे होते हैं वो बनाएंगे, समोसा डिज़ाइन बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से ये मैंने 2 इंची इसकी चौड़ाई ली है और 2 इंची इसकी लंबाई ली है, तो इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे पहले, और इस तरीके से यहाँ पे जहाँ से हमारा पूरा खुला हुआ है चारों साइड, वहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से बनाना है। वैसे मैंने तो बहुत सारे बना के रखे हुए हैं, और ये मैंने ब्लैक धागे से यहाँ पे लगा दिया, पर आपको जो जो कपड़ा हो उसी रंग का धागा लगाना है, तो मैंने इस तरीके से बना रखे हैं वैसे। तो ये आज हम अपने डिज़ाइन में लगाएंगे, तो इसको इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर हम 1/2 इंच 1/4 इंच छोड़ के, क्योंकि वो हमारा सिलाई में दब जाएगा, और हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक के ऊपर एक इस तरीके से रखना है हमें, थोड़ा सा मतलब ये ऐसे नहीं रखना है, ऐसे करके रखना है, इस तरीके से पूरी हम रख लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई देते जाएंगे, इस तरीके से ब्लैक के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। चलिए लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स,
मैंने पूरा कर लिया है और इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी बना लें। तो इस तरीके से तो दोनों स्लीव्स रेडी हैं। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स ये बनाना। और फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।